संसद है क्या और गुड आफ्टरनून, संसद क्या है और किस प्रकार कार्य करती है, इस पर हमने बहुत चर्चा करी है। मैंने लोकसभा के बारे में काफी वर्णन किया था, लेकिन पूरा वर्णन अभी नहीं हुआ है। शनिवार को टेस्ट है लोकसभा, मतलब मेरी पार्लियामेंट तक मेरा कोर्स आएगा, मैंने आपको दिया हुआ है, बहुत अच्छा पेपर बनेगा नो डाउट। तो संसद, मैंने फिर से आपको बोला था, संसद हमारे तीन सदस्य मतलब बॉडी से मिलकर बनती, जैसे हम कहते हैं प्रधान, हाँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा एंड राज्यसभा, लोक राज प्रेसिडेंट से मिलकर बनती है। तो हमने इसके बारे में स्ट्रक्चर वाले दिल्ली में है स्थित है, इस दिल्ली में ये संसद है और ऐसा ऐसा, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हमारा पूरा। फिर हमने ये बोल लिया कि क्या संसद संप्रभुता है, सर्वशक्तिशाली है, तो कुछ ने कह दिया ब्रिटेन की संसद सबसे ज्यादा सर्वशक्तिशाली, लेकिन भारत की नहीं है क्योंकि उस पर न्यायपालिका है, जुडिशरी सिस्टम है या नहीं है, उसमें मतलब पार्लियामेंट अलग है, दल की नेता नहीं वो बर्खास्त कर सकता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बैठा हुआ है उस पर, मतलब परमिशन, जैसे तीन तलाक कल पास हुआ लेकिन अभी भी कब गया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास गया है, गया है नहीं गया, गया तो पुनः विचार, तो अब तो क्या नहीं होगा, वो तो पास हो ही गया, लेकिन राष्ट्रपति उन्हीं का ही है, प्रणब मुखर्जी होते जो लौटा देते। तो कहने का मतलब है संसद के बारे में हमने जाना, अब हम डिस्कस करेंगे आज राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा के बारे में जब भी मैं बात करता हूं, राज्यसभा के बारे में जब भी मैं अपर हाउस जब भी बात करता हूं, तो कई बातें मेरे दिमाग में आनी आती हैं। इसकी बातें करने में इसकी जरूरत क्या है, क्वेश्चन आते दिमाग में कि भाई राज्यसभा जो है उसकी जरूरत क्या है, क्यों है, क्या राज्यसभा ऑस्ट्रेलिया जैसी और ब्रिटेन जैसी ताकतवर है, क्यों अंबेडकर साहब ने, बाबा अंबेडकर ने राज्यसभा की कटु आलोचना की थी, चौंक है, ऐसे ऐसे ऐतिहासिक बिंदु होते हैं जो बताते हैं कि राज्यसभा के लोग कितने खिलाफ हैं और किस प्रकार हमारे देश की जो राज्यसभा है वो अन्य देशों की, जैसे पार्लियामेंट सिस्टम जिनमें है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, जैसे ब्रिटेन से क्यों भिन्न है। तो ये सारे के सारे तबज्जो हम बात करेंगे, क्या राज्यसभा को लोकसभा का प्रतिद्वंदी कहना सही है, एक क्वेश्चन बिहार पीएससी का, क्या राज्यसभा को लोकसभा का प्रतिद्वंदी कहना सही है, ये क्वेश्चन मेरे मस्तिष्क में आ जाता है। क्या राज्यसभा का गठन इसलिए ही किया गया है कि वो लोकसभा के आड़ो हाथे मतलब उसके हर काम में टांग अड़ाएगी या उसे समर्थन देगी। तो आपको जो मैं दूंगा आपसे, मैं ये क्वेश्चन दे सकता हूं कि राज्यसभा से क्या आशय है, लोकसभा और राज्यसभा के संबंधों की चर्चा करें, रिलेशन बताएं लोकसभा राज्यसभा का, तो इस तरह कुछ क्वेश्चन रहेगा जो आपको बहुत अच्छे लेवल पे लिखना होगा आपको, ठीक है। तो आज इन्हीं बातों की हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो जो राज्यसभा है, ठीक है, ये बेसिकली हमारा एक स्थायी सदन है, भले ही अब इसे स्थायी सदन कहते क्यों, मैं बेसिक से बता रहा हूं, फिर मैं वहां पे जंप मारेंगे हम धीरे धीरे डीप में, परिभाषाएं आ जाएंगी और हम ये जानेंगे कि इतिहास में कितनी बार जॉइंट सेशन हुआ है, कितनी बार संयुक्त तो अधिवेशन की घोषणा की गई है अनुच्छेद 108 के थ्रू, आर्टिकल 108 में जॉइंट सेशन की बात की जाती है लोकसभा राज्यसभा, और जॉइंट सेशन हुआ है तो किन पे चर्चा हुई है, कब चर्चा हुई है, इस पे भी चर्चा करेंगे हम। ऐसा कब हुआ है जो लोकसभा राज्यसभा पर हावी हुई है, वो जॉइंट सेशन की तो बात ही नहीं है, कौन से विधेयक रोक दिए और कब रोक दिए राज्यसभा में जो लोकसभा के द्वारा पास कर दिए गए थे। आज तक इतिहास में रूप में पहले ही विधेयक हुआ है 41वां संविधान संशोधन जो राज्यसभा ने पास किया, लोकसभा ने अधर्म में छोड़ दिया। तो बहुत सारी विचित्र चीजें हैं, सिर्फ राज्यसभा इतना ही नहीं होता कि इसके 250 सदस्य है और बस वो स्थायी है बस, तो स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे, ठीक है। तो जो राज्यसभा है, अगर मैं राज्यसभा की बात करूं तो इसके लिए अनुच्छेद
यानी आर्टिकल, आर्टिकल 80 कहता है कि भारत में, भाई सीधा से हमने 79 बोला भारत पार्लियामेंट होगी, अनुच्छेद 80 कहता है, अभी कोई लिखेगा नहीं पहले समझो, कोई नहीं लिखेगा, पेन आप बंद करके रखो, अनुच्छेद 80 कहता है कि भारत में जो राज्यसभा है, मतलब अपर हाउस जिसे हम कहते हैं, लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं, उसकी सदस्य संख्या ज्यादा से ज्यादा कितनी होगी, 250 होगी। उसकी सदस्य संख्या यानी मेंबर्स जो होंगे वो बेसिकली 250 होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। लेकिन वर्तमान में जो राज्यसभा है उसकी सदस्य संख्या हमारी कितनी है, 245। समझ में आया नहीं आया, 25। अनुच्छेद 80 कितने मेंबर्स होते हैं राज्यसभा में, 250 सदस्य होते हैं, और अभी वर्तमान में कितने हमारे, 245 मेंबर्स हैं। ठीक है, आर्टिकल 89 कहता है कि जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट है, हमने वाइस प्रेसिडेंट काफी चर्चा की थी, वाइस प्रेसिडेंट वो एक्स ऑफिसो होगा राज्यसभा का, यानी पदेन सदस्य होगा, सभापति होगा किसका, राज्यसभा का, एक्स ऑफिसो, एक्स ऑफिसो होगा राज्यसभा का, लेकिन इसका पीरियड कितना होगा, 5 ईयर, 5 साल का होता है। ठीक है ना, ओके, तो ये हमारी ये बेसिक चीजें, ये बेसिक्स हो गई। ठीक है, दूसरा 80 में क्या था, 250 मेंबर्स, 89 में वाइस प्रेसिडेंट होगा जो पदेन सभापति होगा किसका, राज्यसभा का। अब राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनकी मतलब उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 6 वर्षों का होता है। अब बात यह आती है कि इसको जो राज्यसभा है इसको हम एक स्थायी सदन कहते हैं, परमानेंट हाउस कहते हैं, किसे, राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है। भाई क्यों कहते हैं स्थायी सदन, क्योंकि क्योंकि एक लाइन क्वेश्चन एक पॉइंट का बनता है कि राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहते हैं, तो आप क्या लिखना चाहो, क्या, हाँ बोलो बोलो। अरे तो भंग कौन करता है, इस पे नंबर मैं दूंगा, आधा नंबर भंग नहीं होती, कैसे भंग करोगे, पानी डाल के, मालूम बच्चों छठवीं क्लास पढ़ा है कि 1/3 मेंबर 2 साल में चले जाते हैं। मैं बात ये नहीं कह रहा, भंग का मतलब क्या है, रंग में भंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बेवकूफ हो, सुनो मेरी बात, यही गलती करते हो और वहां पे गलती करोगे। ये एक स्थायी सदन है, परमानेंट हाउस है, क्योंकि राज्यसभा को भारत का राष्ट्रपति बीच में समाप्त नहीं कर सकता, बीच में समाप्त नहीं कर सकता। राष्ट्रपति को अधिकार होता है भंग करने का, ये बात आप ध्यान रखो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, स्थायी सदन है ठीक है भैया, सदस्य नहीं जाते ठीक है भैया, लेकिन ये जब पूरी चलती है तो राष्ट्रपति को, लोकसभा को अधिकार होता है कि अगर वो बहुमत दल का नेता नहीं मिलता, मेजॉरिटी नहीं मिलती, तो राष्ट्रपति लोकसभा को बीच में भंग कर सकता, समाप्त कर सकता है। समझ में आ रहा है, पुनः चुनाव की घोषणा करा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति को हमारे संविधान में किसी भी अनुच्छेद में इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि राष्ट्रपति जाकर राज्यसभा का कार्यकाल मध्य में समाप्त कर दे। भंग समझ में आया, भंग का मतलब क्या होता है, राष्ट्रपति के द्वारा बीच में जाकर उसका जो पीरियड चल रहा है लोक राज्यसभा का वो बीच में समाप्त नहीं किया जा सकता। क्लियर हो गया, आपको इसी लाइन में, वन लाइन में लिखना है, भंग नहीं कर तो भंग कैसे, किस प्रकार का भंग की बात कर रहे हो। क्लियर हुआ, भंग करने का अधिकार किसको दिया गया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में। वो लोकसभा को भले ही भंग कर सकता है लेकिन राज्यसभा को भंग का अधिकार हमारा कोई भी अनुच्छेद नहीं देता, यानी राष्ट्रपति का आपको जिक्र करना वहां जरूरी है। अब ठीक, हर साल में प्रत्येक 2 वर्षों में 1/3 मेंबर, फिर सुनेंगे ये बहुत छोटी चीज है, हर 2 साल में 1/3 मेंबर वहां से सेवानिवृत्त कर दिए जाते हैं। समझ में आ रहा है, सेवानिवृत्त कर दिए जाते हैं। क्लियर हुआ,
मैं चले जाते हैं, सीट खाली होती रहती है, मेंबर आते रहते हैं और मेंबर जाते रहते हैं। तो इन मेंबर्स को जो राज्यसभा में 2 साल में जा रहे हैं, एक तरफ बोला जा रहा है कि उनका कार्यकाल 6 वर्षों का है। मैं अगर राज्यसभा का मंत्री बनता हूँ, राज्यसभा का व्यक्ति मैं बनता हूँ, सदस्य बनता हूँ, एज ए मेंबर आई ज्वाइन राज्यसभा, मैं इलेक्शन जीतता हूँ। राज्यसभा का भी इलेक्शन कैसे होता है? संकर्मी एकलीय पद्धति के कारण। राष्ट्रपति का होता है ना, वरीयता दी जाती है, प्रेफरेंसेस दी जाते हैं, प्रेफरेंसेस। प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्ट थोड़ा करते हैं, हम तो ना वोट देंगे, हमें एक कोविंद चाहिए, मीरा कुमार चाहिए, हम वोट लगा के चिल्ला रहे नहीं ना हम, वो अप्रत्यक्ष कारण। तो इनका भी प्रेफरेंसेस वोट पड़ते हैं और राज्यसभा के मेंबर चुन के जाते। मैं आराम से डिस्कस कर रहा हूँ, मैं कुछ जीरो समझा रहा हूँ, बन के जाते हैं। तो भाई उनको हटाएगा कौन? मेरा 6 साल का कार्यकाल है, मैं तो नहीं छोड़ने वाला अपनी सीट, तो मुझे कैसे हटाया जाएगा? भाई जब होती है 2 साल में, प्रत्येक 2 साल में एक तय सदस्य जब टर्मिनेट करने की बात आती है, तो भाई कोई राज्य मंत्री क्यों हटेगा, राज्यसभा सदस्य क्यों हटेगा? मेरी गाड़ी सामने लिखा हुआ राज्यसभा मेंबर सांसद, तो फिर उसमें होती है क्या वोटिंग टाइप की, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? और जिस वोटिंग में जिस सदस्यों की संख्या निकल के आती है उनको हटा दिया जाता है। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो ये हो गए हमारे राज्यसभा का, हर 2 सालों में 1/3 सदस्य चले जाते हैं। अब मेरी बात फिर से यहां पर आती है कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि जो, अभी रुक जाओ यार, मैं बता रहा हूं, तुम बीच में आयो ना, अभी रुक जाओ, मैं ऐसे पहले डिस्कस कर चुका हूं, अभी रुक जाओ। पहले देखो, जब लेक्चर पहले थोड़ा कंप्लीट होने दिया करो, ठीक है ना? डाउट क्लास अगर बीच में हर कोई पूछेगा तो हर के बताऊंगा, सारे बच्चे डिस्टर्ब होंगे बेटा, कल को तुम्हें भी डिस्टर्बेंस फील होगा, है ना? सारी की सारी चीज क्लियर हो जाती है यहाँ पे, ऐसा कोई लेक्चर नहीं होता यहाँ पे, इतनी सी चीज बची है डाउट के, लेकिन मुझे कंप्लीट करने दिया करो। अब बात आती है कि जो बहुत छोटा क्वेश्चन पूछा है मैं आपको बता दूंगा, अभी मेरे बात पहले कंप्लीट होने दो, बता देता हूँ, नहीं तो कहेगा सर को आप कि भाई ये राज्यसभा है ना, राज्यसभा, राज्यसभा में मेंबर जाते विधानसभा से, विधानसभा में तुम चुनते हो एमएलए विधायक, हमारी यहाँ की विधानसभा है ना बिरला मंदिर के बगल में, परिषद को भी मिल चुकी है, 50% वोट मिल चुके हैं, ये लोग अपने दल की, ये बहुत छोटी चीज है पहले समझो, तो ये चुन के वहां जाते हैं राज्यसभा में, इसी को अप्रजातांत्रिक बात कही जाती है। क्यों कही जाती है, मैं उसी चर्चा करूंगा अभी यहाँ पे, समझ में आया? विधानसभा, अब जिसकी विधानसभा नहीं है जिस राज्य में, ऐसे कई राज्य इनकी विधानसभा नहीं है, विधानमंडल नहीं है, फिर क्या होगा? तो सुनो, अभी समझ में आ गया, राज्यसभा में ऊपर ऊपर का मेंबर कहां से जाते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। मैं आगे बढ़ूं? ठीक है, पहले सुनने की आदत डालो सभी की बात है, ये जो बताया जा रहा है पहले आप समझिए जो मैं समझा रहा हूं, ठीक है ना? तो बात आती है, मेरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है बेटा, मैं तो किताब लेके मैं लिखवा रहा हूँ अभी, पहले कॉन्सेप्ट हम वो लिखवाते हैं जो मैं समझा देता हूँ, जिसे तुम्हें 2 बार याद हो जाए। देखो, स्थायी सदन है, 2 वर्ष है, 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि जो ये सदस्य होते हैं हमारे राज्य सभा के, मेंबर्स होते हैं, ये बेसिकली राज्यों की विधानसभा से चुन के जाते हैं। अब मेरा क्वेश्चन था कि किस प्रकार ब्रिटेन की राज्यसभा, ब्रिटेन में पार्लियामेंट सिस्टम है, ब्रिटेन की राज्यसभा या अमेरिका की बात कर लो, अमेरिका में सीनेट, ब्रिटेन की लॉर्ड ऑफ हाउस और अमेरिका हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और अमेरिका की सीनेट और ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट, समझ आ रहा है बेटा? खाना बंद करो, लील जाओ या थूकियो, गलत है ना? तो ब्रिटेन की जो हमारी ये पार्लियामेंट, जो राज्यसभा हमने वहां से ली है, तो वो शक्तिशाली है, वो समानता देती है सभी राज्यों, मेरी बात फिर से समझना, हमारी जो राज्यसभा है, ब्रिटेन की भी राज्यसभा है जिसे हम अलग लॉर्ड ऑफ हाउस के नाम से जानते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, अमेरिका की भी राज्यसभा है जिसे हम सीनेट कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया की भी राज्यसभा है, ऐसा हाउस है, और भारत की भी राज्यसभा है। तो जब ये तीनों जो देश हैं उनमें राज्यसभा और लोकसभा, मतलब उनके अलग नाम हैं, लेकिन वहां की जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें दोनों को, मतलब ऐसे जितना लोकसभा को दिया गया है उतनी ही समानता राज्यसभा को भी दी जाती है, दोनों इक्वलिटी रखी जाती है, समझ में आ रहा है? रखी जाती है। तो भारत की
जो राज्यसभा है उसमें ये इक्वलिटी नहीं रखी जाती। ऐसा क्यों? मेरी बात समझ में आया? वो हमारे से किस प्रकार, उनकी जो अपर हाउस है वो हमारे से किस प्रकार भिन्न है, किस प्रकार भिन्न है? हमारा है चुनाव का, हम भले ही बड़े बड़े दावे करते हैं कि जैसे उन देशों की राज्यसभा है, हर राज्य का इक्वलिटी के साथ मेंबर वहां पे मौजूद होते हैं, किसमें? उनकी अपर हाउसेस में, जो भी उनका पार्लियामेंट्री सिस्टम है। हमारे यहां ऐसा नहीं है। हम जब राज्यसभा का क्षेत्र, लोकसभा का क्षेत्र होता है, विधानसभा का भी क्षेत्र होता है, बंटवारे होते नहीं होते, ऐसे ही राज्यसभा का भी क्षेत्र निर्धारित किया जाता है। जो राज्यसभा का क्षेत्र होता है किसी भी राज्य में, उसकी जनसंख्या को आधार बना के लिया जाता है। राज्यसभा का क्षेत्र अगर निर्धारित किया जा रहा है तो सबसे पहले जो सदस्य उठाया जाएगा 50 लाख तक की जनसंख्या तक, 50 लाख तक की जनसंख्या पर तो ये प्रक्रिया शुरू की जाती है, ठीक है। 50 लाख की जनसंख्या पे हर 10 लाख पर कितना होता है? एक सदस्य को नियुक्त किया जाता है, ठीक है। 50 लाख के बाद जब जनसंख्या होती, जैसे यहाँ की 1 करोड़ जनसंख्या, मत मान लो मध्य प्रदेश की जनसंख्या अभी तो कितनी है, 4.5-4.75 कितनी है, ठीक है, मान लो 7 करोड़ है, ठीक है। अभी यहां पे जो पहले 50 लाख पे राज्यसभा, अगर मैं जनता पे सदस्य उठाने की क्षेत्र विस्तार करूंगा, कितने मेंबर यहाँ के बनते हैं राज्यसभा के, तो पहले की जो 7 करोड़ में से, 7 करोड़ में से जो 50 लाख की जनसंख्या, जो 50 लाख है, बच्चे 6.5 करोड़, उसमें मैं 10 लाख पर एक व्यक्ति को उठाऊंगा। मेरी बात समझो, 7 करोड़, तो अब बची 6.5 करोड़, तो मेरी 50 लाख मतलब कितने मेरे सदस्य आ गए, 5 मेंबर आ गए, नहीं आ गए, अब मेरे आ गए 5 मैं 5 मेंबर आ गए, अब मेरे पास बचे कितने, 6.5 करोड़, ठीक है ना। तो अब 6.5 करोड़ के हिसाब से अगर मैं देखूं, मतलब 6.5 करोड़ के हिसाब से देखूं, तो मुझे 20 लाख पर अब मैं एक व्यक्ति को उठाऊंगा। मतलब क्षेत्र बताऊंगा कि मुझे मध्य प्रदेश से राज्यसभा के जो मेंबर हैं वो मुझे अब पहले 50 लाख पे, तो 10-10 लाख पे एक तक चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि यहाँ पे जो छोटे राज्य होते हैं जिनकी जनसंख्या कम होती है, तो 10 लाख पर एक, 10 लाख पर एक, 10 लाख, 50 लाख तक ऐसी प्रोसेस चलती है। 50 लाख के बाद जो प्रोसेस शुरू होती है, यानी 6.5, तो मेरी चलेगी कितनी, 20 लाख पर एक चलेगी। तो 1 करोड़ पे मेरे हो गए 5, जो 50 लाख पे 5 हो गए थे, अब वो 1 करोड़ जनसंख्या पे मेरे कितने हैं, 5, क्योंकि 20 लाख पे एक मेंबर आ रहा है, तो 5 संख्या हो गए मेरे 5, बाकी के मेरा 6 पे आओ तो कितने आए, 5, 6, 30, भाई 5, 5, 5, 6 तक कितना हुआ, 30 हुए, 30, एक और अगर 6.5 है तो 30 के हिसाब से अगर 2 और बढ़ो 32, और हमारे यहाँ पहले 5 थे तो कितने हो गए हमारे। मतलब ये व्यवहार है, किसका है, ये व्यवहार है, मेरी बात समझ में आ रहा है। तो वहां पर लेकिन इसमें तभी गलत तो है ना, जो छोटे राज्य हैं उसमें पूरा प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा, कहाँ मिल पा रहा है, जो बड़ी जनसंख्या वाला राज्य होगा उसके मेंबर राज्यसभा में ज्यादा होंगे, जो कम जनसंख्या वाला राज्य होगा उसके सदस्य कम होंगे, होंगे नहीं होंगे, लेकिन जो अन्य देश जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, वहां पे ऐसा नहीं है, वहां के राज्यों के हिसाब से मेंबर को बुलाया था कि हर राज्य से इतने ही लिमिटेड मेंबर्स चुन चुन के आएंगे। तो हमारी जो राज्यसभा है उसमें सबसे बड़ा दोष यही है कि हर राज्य को सदस्य भेजने की इजाजत तो है लेकिन उसका प्रतिनिधित्व पूरा नहीं हो पाता। मेरे बात समझ में आया भाई? मेरे से अगर मेरी जनसंख्या कम है, मान लो मेरी 1 करोड़ जनसंख्या, बहुत से ऐसे राज्य हैं, गोवा ले लो, तमिलनाडु ले लो, केंद्र शासित क्षेत्र ले लो, बहुत है। मान लो अगर मेरे 1 करोड़ जनसंख्या है तो वहां पे मेरे 7 या 8 लोग ही बैठे होंगे प्रतिनिधित्व करने के लिए, हाँ या ना, बाकी खत्म है। तो मैं अपनी आवाज कहां से उठा पाऊंगा अपने उसकी। चलो ठीक है, ये क्लियर हुआ मेरी बात, ओके। तो ये राज्यसभा का सदस्य, अब ये 250 मेंबर मैंने बताया आर्टिकल 80 के अकॉर्डिंग, इसमें मैंने आपको ये बताया था
कि अनुच्छेद 80 में ही 12 मेंबर कितने किए जाते हैं, नॉमिनेटेड किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। यानी ये 245 जो वर्तमान में सदस्य हैं, कल मैं मैरी कॉम का भी इंटरव्यू देख रहा था, 3 तलाक के ऊपर चल रहा था, मैरी कॉम भी है, बॉक्सर है ना मैरी कॉम, देखा सुना। तो जो ये सदस्य चुने गए हैं, कहां चुने गए हैं, जो कहां पे 245 उसमें से 12 सदस्य माइनस कर दो। समझ में आ रहा है मेरी बात, ध्यान समझना, कॉन्सेप्ट क्लियर समझो, 12 सदस्य माइनस कर दो, ठीक है ना बेटा। 300 से तब होते जब फुल हो 250, 245 में माइनस कर दो 12 सदस्य। तो ये हमारे जो अंबेडकर साहब थे और कई ऐसे लोग थे जिन्होंने इस चीज को अप्रजातांत्रिक बताया। इसमें क्यों अप्रजातांत्रिक बताया है, क्योंकि जिसकी सरकार है लोकसभा में, जिसकी सरकार है लोकसभा में, उसी का राष्ट्रपति है लोकसभा का जो देखने वाला। क्यों, गोविंद किसके थे, बीजेपी के तो थे, बताया था नहीं बताया था, क्यों उठा के लेके आए, SC ST कैटेगरी के लोग आ जाएंगे, उनके आंदोलनों में कुछ राष्ट्रपति के बारे में बहुत चर्चा करी है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें हैं, 80 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश को लगेगा उसकी जनता हमारे साथ आ जाएगी, बहुत बड़ी विचारधारा, इसलिए उनको राष्ट्रपति बनाया गया रामनाथ कोविंद को। तो राष्ट्रपति किसका, बीजेपी का, राज्यपाल तो उन्हीं के स्थापित थे तो राष्ट्रपति भी उन्हीं का। अब जो ये 12 सदस्य चुने जाएंगे इसमें राज्यसभा में नॉमिनेट किए जाएंगे, तो ये किसके द्वारा किए जाएंगे, राष्ट्रपति के द्वारा। और राष्ट्रपति किसी भी चीज को बिना सलाह मशवरा लिए, आर्टिकल 74-75 बताया था, आर्टिकल 74 अनुच्छेद 74, बिना सलाह मंत्रणा किए हुए किससे, अपनी मंत्री परिषद एग्जीक्यूटिव काउंसिल से, जो कि है ना मंत्री प्रधानमंत्री और ये उनका मिनिस्टर्स हैं जो गृह मंत्री होम, ये मंत्री परिषद कहलाती है, उससे बिना सलाह लिए वो कोई कार्य कर नहीं सकता। और वो सलाह किस चीज की देगा, मंत्रिपरिषद से सलाह किसकी देगा, या तो उसके जो करीबी होंगे या पैसे देने वाले होंगे, उनको पार्टी के समर्थक होंगे, हाँ या ना, जो कहीं ना कहीं उसी पार्टी से जुड़े होंगे जो बहुमत लेकर मेजोरिटी के साथ लोकसभा में बैठी है, हाँ या ना। विजय माल्या कैसे आ गया था, पैसे का सपोर्ट था, मानना तो पड़ेगा भाई, या नहीं मानोगे, या सुनो, विजय माल्या में क्या गुण था, आज भगोड़ा साबित हो चुका है विजय। तो विजय माल्या जैसे लोग भी आए हैं, तो क्या ये 12 लोग, ये आपको लिखना है एग्जाम से जो बता रहा हूं मैं, तो क्या ये 12 लोग, मनोनीत लोग, हमारी राज्यसभा के गठन पर एक दाग नहीं लगाते, बिल्कुल लगाते। और ये हम नहीं कहते, ये हमारे इतिहासकार कहते हैं, राजनीतिज्ञ लोग कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, क्योंकि इनका चुनाव अप्रजातांत्रिक है। चुनाव क्या होता है, या तो प्रजातांत्रिक, या तो देखो प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष मतलब आपस में मेंबर चुन के दे रहे हैं, जो चुन के आया है कभी ना कभी से, मेरी बात समझो, आया ना, या हम चुन रहे हैं, ये तो है प्रजातंत्र, डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ना मनोनीत का किसी को पता है इलेक्शन किस आधार पे किया गया, पर ये एक टैगलाइन लगा दी है कि मनोनीत किया जाएगा, साहित्यकार होगा कोई, लिटरेचर उसका कोई, सामाजिक होगा जिसका समाज में योगदान होगा, या फिर कोई विज्ञान क्षेत्र से जुड़ा होगा, बस कला क्षेत्र जुड़ा होगा, यही तो बोला गया है। तो ये तो अप्रजातांत्रिक बात हो गई, नहीं हो गई कि भाई उठा किसी को भी डाल दिया जाए, मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही बेटा। तो ये हो गई अप्रजातांत्रिक बात, तो इसकी कटु आलोचना हुई है, ये 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स की किस आधार पर आप चुन रहे हैं, क्योंकि हमारा संविधान किसी भी ऐसे व्यक्ति को तवज्जो नहीं देता जिसका चुनाव हम या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष के द्वारा नहीं हो, डायरेक्ट ना मनोनीत मतलब मन से, मनोनीत मतलब मन से चुन लिए जाने वाला हो। तो ये तो साबित द्वेषपूर्ण पद्धति है, ये गलत है या नहीं है ये बताओ। ओके, फिर बात होती है आगे कि राज्यसभा जो है उसकी आपने, एक तो ये नॉमिनेटिव प्रोसेस बड़ा बेकार है, दूसरा हमारी उसकी सदस्य संख्या बड़ी कम कर दी गई है, 250 कहां 552, लोकसभा सीधे सीधे उससे दुगनी से ज्यादा है,
250 से 500 और 545 लोकसभा के मेंबर कितने हैं? 545 वर्तमान, दुगनी से भी ज्यादा है। तो ये किस तरीके से लोकसभा को गलत करने से रोक सकती है जब उसकी सदस्य संख्या ही नहीं है उसके बराबर। कल 3 तलाक बिल पास हुआ, 84 ने विपक्ष में डाला, 99 ने फेवर में डाला और वो पास हो गया। हो गया नहीं हो गया? पास हो गया। तो गोल हो गए, बीजेपी की सांठगांठ हुई होगी, ये तो पक्की से बात है। सबके साथ गायब कैसो को जो संबल भी कह रहे थे भाई, कपिल संबल कह रहे थे कि भाई गायब कैसो जो उसका विरोध कर रहे थे गायब हो गए और पास हो गया। नहीं तो अगर वो सब होते, 183 लोग थे और 245 तो अभी राज्यसभा मेंबर ही हैं, अगर होते तो कल शायद पास नहीं हो पाता, क्योंकि मैक्सिमम वही पार्टी गोल हुई है बायकॉट किया जो उसके विरोध में थी। जब विरोध में थी तो ऑब्वियसली बात है उनके मेंबर संख्या ज्यादा थी, नहीं हो पाया था। लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य सभी थे। सोचो राष्ट्रपति, मैं एक लाइव एग्जांपल बता रहा हूं आपको, राष्ट्रपति के मैरीकॉम निकली शायद तुमने देखा ही देखा, और भी निकले 3-4 कलाकार। तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य सारे थे और जो मनोनीत होंगे वो लोकसभा के सदस्य होंगे, चहेते चेहरे होंगे, उन्होंने इसी के पक्ष में वोट दिया होगा जो लोकसभा में पास किया गया। तो फिर ये प्रजातांत्रिक फैसला कहां हुआ? अगर देखो यार, आप एक सिविल अधिकारी की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये सोचने में जरूरत है, ये फिर एक प्रजातांत्रिक फैसला कहां हुआ जब कोई मतलब ही नहीं हुआ। खैर छोड़ो और चर्चा करते हैं। हमारे अंबेडकर साहब को लगा वो इसके बिल्कुल खिलाफ थे, राज्यसभा वो बिल्कुल नहीं चाहते थे। जैसा कि मैंने पहले बताया था, 1990 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, 1935 जो एक्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट है, गवर्नमेंट एक्ट है ना, उसमें एक द्वैत शासन की व्यवस्था बनाई गई थी, ड्यूल सिस्टम, ठीक है ना। 1919 में दोनों में था, प्रोविंस में और सेंट्रल में, केंद्र में। 1935 में वो सिर्फ केंद्र तक रह गया था, प्रोविंस से खत्म कर दिया गया था, 1935 में खत्म कर दिया गया था। लेकिन इसका इतिहास गवाह है, अम्बेडकर साहब ने बहुत अच्छी बात की, इसका इतिहास गवाह है कि द्वैत शासन प्रणाली हमारे ऐतिहासिक रूप से बिल्कुल विफल हुई, बिल्कुल विफल रही। विफल क्यों रही? 1919 का विफल हुआ, साइमन कमीशन बुलाया था 1927 में हमने, इसीलिए उसको दोस्त थे उसके अंदर। 1935 का विफल रहा क्योंकि हमने केंद्रीय जगह, हमने उसी को प्रस्तावना अपना के काम किया। उन्होंने तो यही कहा था, जब हमें इतिहास इसका सुनहरा नहीं रहा तो हम भविष्य किस प्रकार सोच सकते कि सुनहरा रहेगा राज्य सभा के लिए हमारे देश में ऐतिहासिक रूप से। तो कई चीजें हैं जो राज्यसभा को, एक यूपीएससी क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है मेरे, मना करती हैं कि इसका कोई औचित्य नहीं है। ये बनाना तो चाहा था प्रतिद्वंदी के रूप में, लेकिन ये एक विकलांग बन के रह गई। बात समझो, क्रिटिक किसी को छोड़ते नहीं। प्रतिद्वंदी किसे कहते हो? कल को ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच हो तो प्रतिद्वंदी है, या फिर इंडिया का बांग्लादेश से या फिर आयरलैंड से मैच हो तो वो किसे तुम प्रतिद्वंदी मानोगे? प्रतिद्वंदी होता है वो जो बराबर का होता है। मैंने भारत का बड़ा गलत ले लिया, भारत किसी से भी हार जाए उसकी तो सारी टीम ही प्रतिद्वंदी है। मतलब जो बराबर का व्यक्ति होता है उसे प्रतिद्वंदी माना जाता है, नहीं जाता? यस और नो? आया ना? अच्छा, जैसे मैं लक्ष्मी का पेपर लो शनिवार के दिन, और जो बच्ची रेगुलर आ रही है, प्रियंका को मैं करूं या रुचि को लड़ाऊं, तो प्रतिद्वंदी तो है ही नहीं ना यार, वो आई नहीं रही है और ये रेगुलर आ रही, तो उसे आराम से हरा देगी, ये प्रतिद्वंदी नहीं है। अगर मैं रुचि को हर बार मेरा उसको होना चाहता हूँ, ये रेगुलर आए, कोई बात बुरी लगे और रेगुलर आए, अगर मैं रुचिका को ज्योति से बोलूं या किसी ऐसे बच्चे से बोलूं रेगुलर आ रहे हैं, रेगुलर की बात हो रही है, रेगुलर आ रहे हैं, तो वो प्रतिद्वंदी कहलाएगा, हाँ या ना? तो उन्होंने ये बोला कि भैया कि जब उसकी सदस्य संख्या ज्यादा ऐसी काम है तो प्रतिद्वंदी तो है ही नहीं, तो क्यों रखा? तो ये सब राज्यसभा के बारे में। लेकिन व्यवहारिक रूप से राज्यसभा बहुत ताकतवर है, यह है एक संविधान का दृष्टिकोण जो मैंने आपको समझाया। व्यवहारिक, व्यवहारिक मतलब जो हो रहा है ना, राज्यसभा बहुत ताकतवर है। और मैं मानता हूं 1961, 1978, 1961, 1978, 1989
तीन बार अभी तक भारत के इतिहास में अनुच्छेद 108 का प्रयोग किया गया है, आर्टिकल 108 का प्रयोग किया गया है। आर्टिकल 108 क्या कहता है? आर्टिकल 108 कहता है कि अगर कोई ऑर्डिनेंस है, अध्यादेश है, जो लोकसभा में पास हो गया है या राज्यसभा में पास हो गया है या किसी में ही पास हो गया है एक में, और दूसरे और वो दूसरा उसे मना कर रहा है, अब वो भारत के देश के लिए जरूरी है अगर राष्ट्रपति को लगता है तो। भाई कौन बताएगा देश के लिए जरूरी? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को लगता है कि वो देश के लिए जरूरी है तो दोनों को बैठक समान बुला लेंगे, राज्यसभा भी लोकसभा, सारे मेंबर घुल जाएंगे, ये मेंबर लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा मना कर रही, नौटंकी दिखा रही, नहीं होना जरा। तो राष्ट्रपति को अगर लगता है कि वो अध्यादेश बहुत ज्यादा जरूरी है, मेरी बात ध्यान से समझना जो मैं तुम्हें कहना चाह रहा हूं, लगता है कि वो जरूरी है और लोकसभा में पास हो गया है तो क्या करेगा? राज्यसभा और लोकसभा को साथ में बैठा के मंत्रणा करेगा। जब अलग अलग हैं तो उपस्थित लोगों का 2/3 बहुमत चाहिए होता है किसी भी अध्यादेश को पास करने के लिए। कितना? 2/3 मेजोरिटी चाहिए किसी भी ऑर्डिनेंस को पास करने के लिए। 2/3 मिल गई, पास हो गया। इसमें 2/3 नहीं मिली, जो भी प्रेजेंट है उनका 2/3, यानी कि पूरे का 2/3, जो भी उपस्थित हैं उनका 2/3 होना जरूरी है। तो मिल गई, इसमें नहीं मिल रही, अब बैठा दिया संयुक्त, संयुक्त बैठा दिया। संयुक्त में क्या हुआ? अब 2/3 की जरूरत नहीं है, नहीं तो हालात तो वही रहते, उसमें रहती है 50-50 की बात साधारण, और साधारण में तो पास हो ही जाएगा क्योंकि लोकसभा के मेंबर दुगने से भी ज्यादा है, राज्यसभा के कम है, तो वो 100% पास हो जाएगा। तो भैया राष्ट्रपति को ऐसा कौन सा विषय लगता है, और अभी तक इतिहास में 3 ही बार उसे ऐसे विषय क्यों लगे जिसका जॉइंट सेशन होना चाहिए? 1961, 1978, 1989। ऑब्वियसली बात है उससे कुछ नहीं लगता। लगता किसे? लोकसभा को लगता, क्योंकि उसके मेंबर ही उसको सलाह देते, वही चुना जाता है। जब लोकसभा को लगता है कि कोई भी अध्यादेश जारी किया जाना चाहिए जो हमारे हितों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वोट बैंक बढ़ रहा है, मैं तो यही कहूंगा सीधी बात।